आप लोग बताइए, आप लोग ये सुन के क्या कहना चाहेंगे कि मेरे देवर की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरी दोस्त की शादी है, ये सब तो आपने बहुत सुना। मेरे हस्बैंड की शादी आप लोग भी पहले बार सुन रहे होंगे, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को ये टाइटल? बहुत अचंभा हो रहा है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की शादी करवा रही है। फुल धूमधाम से। मैं तो बारात में जब घोड़ी चल रहे हैं, जब गाड़ी में बैठ रहे हैं, उनका परछावन कर रही हूँ, उसके बाद बारात में आगे नाचते हुए जा रही हूँ। नाच नाच ए बरतिया, मेरे हस्बैंड की शादी है। मजे ले रही है अपने पति की शादी के। सिनेमा देखना पड़ेगा, इतना बड़ा ट्विस्ट, ये जानने के लिए तो आपको सिनेमा देखना पड़ेगा। वही तो है इस पिक्चर की कहानी कि कैसे कोई बीवी अपने पति की शादी करा रही है। आप करते हैं और शादी को लेकर सीक्वेंस आपके साथ काफी ज्यादा हिट है। आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि 100 से ज्यादा शादियां तो आपने कर लिया है। हाँ। तो ये रिकॉर्ड बढ़ गया है। तो इस बार पिक्चर की शुरुआत से ही मैं शादीशुदा ही हूँ, इसमें मैंने अलग से शादी नहीं की है। लेकिन इसमें दिनेश जी और काजल जी की शादी हो रही है जो मैं करवा रही हूँ, तो वो एक बहुत ही मजेदार सीक्वेंस है। हमने कल आधा शूट किया अभी और आधा, तो बहुत मजा आ रहा है। दिनेश जी के साथ काम करके हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंजुल ठाकुर जी हमारी फिल्म के डायरेक्टर है, ही इज मार्वेलस। उनकी तरह कहानियों को कोई नहीं दर्शाता है। हमारे DOP सरफराज खान जी हैं, वॉट फोटोग्राफी, मतलब मजा आ रहा है शूट करके। हमारे प्रोड्यूसर जयंत जी बहुत अच्छी खासी लागत और अच्छा खासा समय लगा के ये सिनेमा बना रहे हैं। और साथ ही मेरे जितने भी सहकलाकार हैं, मेरे साथ काजल जी है इस फिल्म में, तो पटना से पाकिस्तान आशिक आवारा के बाद मैं और काजल जी फिर इस फिल्म में आ रहे हैं, मैं, काजल जी, दिनेश जी। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के। साथ में हमारी माता जी रुला देती है, इतना अच्छा एक्टिंग करती है। बहुत अच्छी कहानी पे हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लागत लगा के फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सिनेमा बहुत अच्छा लगे। एक्टर के साथ एक्टिंग करना, लेकिन अब सांसद के साथ एक्टिंग करना, क्या कहोगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी दिनेश जी को उनकी मम्मी का फोन आया था कल परसों में, ये न्यूज़ वायरल भी हुई थी। वो आजमगढ़ आई थी किसी धाम पे दर्शन करने, और उन्होंने देखा कि रोड खराब है, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला बड़का सांसद भैलवा, नहीं बड़का सांसदा भैलवा, यहाँ रोड कुल खराब। तो पूछे कहाँ है वो रोड, तो उनको पता चला इस रोड पर माता जी हैं। तो बोले अरे हम वो पास करवा देनी। तो बोलती ढेर 36 बुद्धि हमके पढ़ाई बात, तू यहाँ खड़ा बानी कहाँ पास भैला। तो उसके बाद से जब से मैंने ये आंटी की बातें सुनी, तब से मैंने सोच लिया कि जब भी दिनेश जी सेट पे थोड़ा ऐसे आएंगे, नमस्ते नमस्ते, तो मैं बड़का सांसदा भैलवा। अब मैं उनका ऐसे बुलाऊंगी अगर, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है दिनेश जी को काम करते हुए देख के। वो हर किसी को अपनी ही मदर, अपनी बहन, अपने ही भाई की तरह अपने पास बैठा के उनकी तकलीफ समझ के उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है दिनेश जी को ऐसे काम करते देख के। फिल्म को लेकर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जब ये हस्बैंड की जो शादी है इसको लेकर? मैं खाली चाहूंगी कि एक एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मैसेज है इस पिक्चर में कि एक औरत का सिर्फ यही कर्तव्य नहीं होता कि वो आपके परिवार को आगे बढ़ाए, एक औरत का सिर्फ यही धर्म नहीं है कि वो आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए रहे, आपका भी एक औरत के प्रति धर्म बनता है कि अगर कोई किसी वजह से ये नहीं कर पाए तो उसके ऊपर इस चीज़ के लिए प्रेशर ना करें। वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, उसका सम्मान मान वैसे ही रखें हमेशा, और बच्चे अडॉप्ट करें।